तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या तो ऑनलाइन हो। सोमवार को मुंबई में सैकड़ों छात्रों ने स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के पास विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन एग्जाम को रद्द किया जाए। हमारी जान क्या, उनको कोई परवाह नहीं है, वो लोग हमारा ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं, उन लोग को हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन लेना चाहिए। हम ये चाहते या तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या तो ऑनलाइन हो, ऐसा हमारी मांग है सबकी। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि दो इयर्स लॉकडाउन कोरोना के वजह से हमारा टीचिंग प्रॉब्लम है। 8 महीने हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन 2 महीने क्या बोल रहे स्कूल चालू हुआ, 2 महीने में स्कूल चालू हुआ, लेकिन क्या आपका सिलेबस पढ़ा के हुआ 100% क्या 75% ऑनलाइन सिखाया और स्कूल 2 दिन के लिए चालू किया, अरे बोल रहे 100% पढ़ा हो गया और बोल रहे एग्जाम ऑफलाइन दो, कैसे देंगे सब बच्चे तो क्या पढ़े नहीं। अभी ये क्या हुआ है, आर्मी में जाना है तो पबजी पे प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा, फिर आर्मी में जाके डायरेक्ट पेपर लिखना पड़ेगा, कैसा चलेगा ऐसा। हालांकि सरकार ने अब तक बच्चों की मांग को नहीं माना है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं अब इस मामले में विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि हिंदुस्तानी भाव ने अपने एक वीडियो के जरिए विरोध प्रदर्शन से पहले छात्रों को सरकार के खिलाफ उकसाया था। आरोप यह भी है कि हिंदुस्तानी भाव ने ही छात्रों से स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास पर जाकर विरोध जताने और अपनी मांगे रखने को कहा था। जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप हो सके तो ये कल के कल डिसीजन करिए और ये एग्जाम्स कैंसिल करिए, वरना मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ वर्षा ताई गायकवाड़ के घर के बाहर आंदोलन करूंगा। जब तक ये इनको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको मुझे जेल में डालना है डालिए, आपको जो मेरा करना है वो आप करिए। हिंदुस्तानी भाव के अलावा और भी कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज है। वहीं इस मामले पर मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि हम इस पूरे मामले और छात्रों की दिक्कतों पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने छात्रों से कहा है कि मुझे आकर बात करें, लेकिन हमें स्कूली छात्रों की शिक्षा में 2 साल के नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे बात करने के बाद आंदोलन शांत होना चाहिए और बच्चों को भी घर जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेकिन मैं कुछ परिस्थितियां आपके सामने निगरित करना चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति है और जिस भारी संख्या में बच्चे 10वीं 12वीं के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होते हैं, वो संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है। और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसे, हमारे यहाँ पे आदिवासी एरिया है, खेड़े गाँव है, दुर्बल जगह पे घर है लोगों के, और ऐसे समय में एक टाइम पे पेपर होता है। जैसा हम भी जानते हैं, 2 साल से हम भी एजुकेशन में जब से काम कर रहे हैं तब से हमको पता है कि कोविड आने से बहुत सी परिस्थितियां बदल गई है। बच्चे के अंदर एक अलग से टेंशन हो गया, क्योंकि उनको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, कोविड से और दूसरी जगह पे पढ़ाई के लिए। इसीलिए हमने बहुत से निर्णय लेते वक्त ये सोचा कि बच्चों को लिखने के लिए कोई तकलीफ हो रही है क्या, तो उनको टाइम बढ़ा के दे पर एग्जाम के लिए। अगर बच्चों को दूर जाने की असुविधा नहीं हो, इसीलिए हमने वही स्कूल में सोच रहे हैं हम लोग की एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिकल में हम लोग क्या क्या चीज़ें करें ताकि बच्चों को उसमें आसानी हो। तो हमारी लगातार एक्सपर्टी से चर्चा चलती है, लोकल बॉडी से चर्चा चलती है, हमारे वहाँ के शिक्षण अधिकारी से चर्चा चलती है कि मॉनिटरिंग करें हम पूरी परिस्थितियों को, क्योंकि हमने शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसीलिए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। आज का जो मोर्चा हुआ, इसके लिए भी मैंने उनके संगठन के प्रमुख जी से बात की और उनको कहा कि आप हमसे आइए, आपकी जो भी सूचना है उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, क्योंकि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा हो, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी ये भी सोच है कि जो पिछला 2 साल का बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है, उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करें। ये एग्जामिनेशन के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जल्दी लें और बच्चों का 11वीं का एडमिशन और 13वीं का एडमिशन टाइम से हो, ताकि बच्चों का अगला साल मुझे लगता है।